हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी की। तो देखिए, प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी का मतलब ये होता है कि किसी भी प्रोग्राम को कैसे डेवलप किया जाए। तो किसी जब भी हम प्रोग्राम को डेवलप करते हैं, तो देखिए किसी भी प्रोग्राम को डेवलप करने में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो दो चीज़ें होती हैं। एक तो ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव मतलब जिस पर्पज़ से या जिस काम के लिए प्रोग्राम डेवलप किया जा रहा है वो फुलफिल हो रहा है या नहीं, या फुलफिल हो रहा है तो कितने अप टू वॉच एक्यूरेसी ये फुलफिल हो रहा है, वो चीज़ ठीक है। और सेकेंड जो होता है कि कितना फास्टर वो प्रोग्राम रिजल्ट ला के हमको दे रहा है। तो ये दो चीज़ जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है प्रोग्राम के डेवलपमेंट में। और जो भी प्रोग्राम इन दोनों को अचीव कर लेता है, इफ़ ए प्रोग्राम इज डिज़ाइंड इन सच ए वे दैट इट इज़ अचीविंग दियर गोल एंड परफॉर्म दियर ऑपरेशन एट ए फास्टर रेट, देन वी कैन से दैट प्रोग्राम इज एफिशियंट एंड गुड। ठीक है, तो इस तरह के प्रोग्राम को जो ये दोनों चीज़ें फुलफिल करता है दैट इज़ कॉल्ड इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। अब इसमें देखिए, स्टार्टिंग में जब प्रोग्रामिंग शुरू की गई थी तो क्या था कि प्रोग्राम ऐसे लाइन बाई फर्स्ट लाइन, फिर सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, ऐसे लाइन बाय लाइन प्रोग्राम लिख देते थे और अपना जो है प्रोग्राम को रन करा के रिजल्ट आ जाता था। लेकिन धीरे धीरे जब प्रोग्रामिंग का यूज़ बढ़ने लगा तो इन 1970s के मिड में जो है ये फील किया गया कि इस तरह की प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम क्या हो जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन जा रहे हैं, अनरीडेबल हो जाते हैं, मतलब उसको पढ़ के समझना मुश्किल हो जाता है। और अगर उसमें कोई मॉडिफिकेशन करना हो, मान लीजिए प्रोग्राम में कोई फर्दर मॉडिफिकेशन करना हो, तो वो भी संभव नहीं था। तो इनिशियल डेज में जो प्रोग्रामिंग की जाती थी वो धीरे धीरे जब प्रोग्रामिंग का यूज़ बढ़ने लगा और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए प्रोग्राम बनाए जाने लगे, तो फिर नॉर्मल प्रोग्रामिंग में, या ये नॉर्मल क्या ये कहिए, ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में ये दिक्कत आने लगी। ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में ये सारी दिक्कत आनी शुरू हो गई। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर हम स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के हिसाब से या मेथड से प्रोग्राम डेवलप करने लगे। देखिए, तो प्रोग्राम में जो है जब ये प्रॉब्लम ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग टेक्निक्स में ये सब प्रॉब्लम आने लगी, तो फिर हमने उसकी एज ए रेमेडी के तौर पे डेवलपर्स ने क्या किया कि एज ए रेमेडी के तौर पे उन्होंने स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करना शुरू किया। अब स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम को यूज़ करने से ये फ़ायदा हुआ कि ये जो भी प्रॉब्लम्स थी इनकी, ठीक है, या आप ये कह लीजिए कि पहले स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर इज ए सेट ऑफ लॉजिकल इंस्ट्रक्शन, स्ट्रक्चर इज ए सेट ऑफ लॉजिकल स्ट्रक्चर। तो इसमें ऑलरेडी लॉजिकल स्ट्रक्चर डिफाइंड होते हैं स्ट्रक्चर प्रोग्राम में, उसमें जनरली तीन स्ट्रक्चर होते हैं, वो भी हम लोग बात करेंगे। उसमें इसको यूज़ करने से फ़ायदा ये हुआ कि स्ट्रक्चर प्रोग्राम में जो प्रॉब्लम आ रही थी ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग की कि कॉम्प्लेक्स हो जा रहे थे, अनरीडेबल हो रहते थे और मॉडिफिकेशन करना मुश्किल था या नहीं मॉडिफिकेशन होता था, तो स्ट्रक्चर प्रोग्राम में जो ऑलरेडी लॉजिकल स्ट्रक्चर डिफाइन थे पहले से, वो तो जनरली तीन स्ट्रक्चर थे। पहला तो ये था सीक्वेंस, दूसरा हो गया आपका कंडीशन, और तीसरा जो था वो था रेपिटेशन। देखिए, पहले हम लोग सीक्वेंस की बात करते हैं। तो सीक्वेंस स्ट्रक्चर में क्या होता था कि सीक्वेंस में जो प्रोग्राम लिखा जाता था वो एक ऑर्डर में या एक सीक्वेंस में, पहला स्टेटमेंट, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे 1 2 3 4 5 6 करके जो है ऐसे स्टेटमेंट लिखे रहते थे। और जब हम प्रोग्राम को रन कराते थे या एग्जीक्यूट कराते थे तो ये सारे इंस्ट्रक्शन इसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट होते थे, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, इस तरह से एग्जीक्यूट होते थे। तो इस तरह जो एग्जीक्यूशन होता था प्रोग्राम का तो वो सीक्वेंस वाइज होता था। तो ये एक एक ऑलरेडी स्ट्रक्चर डिफाइंड था स्ट्रक्चर प्रोग्राम में। अब उसमें एक चीज़ ये थी कि जितने भी हाई लेवल लैंग्वेजेस थी उन सब में ये सीक्वेंस ऑलरेडी डिफाइंड था। ठीक,
अब उसके बाद जो सेकेंड स्ट्रक्चर डिफाइन है वो है कंडीशन। कंडीशन में क्या होता है कि कंडीशन में देखिए, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि स्टेटमेंट नंबर 3 में कोई ऐसी कंडीशन आती है, और आपको मालूम है कि किसी भी कंडीशन के दो ही पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, या तो वो ट्रू होगी और या तो फॉल्स होगी, ट्रू या फॉल्स। अब मान लीजिए, सपोज कीजिए इसमें ऐसे डिफाइंड है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट नंबर 3 के बाद सीधा स्टेटमेंट नंबर 6 एग्जीक्यूट हो, मतलब 4 और 5 पे नहीं जाएगा कंट्रोल, सीधा स्टेटमेंट नंबर 6 एग्जीक्यूट होगा अगर कंडीशन ट्रू है, और फॉल्स है तो फिर जैसे जिस सीक्वेंस में हो रहा था उसी में होगा। तो इस तरह से उसमें कंडीशन स्ट्रक्चर डिफाइन होता है। जैसे मान लीजिए हमने कहा से 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू ये स्टेटमेंट्स गिवन है, ठीक। अब मान लीजिए यहाँ स्टेटमेंट नंबर 4 पे हम बात करें, ठीक है, यहाँ पे अगर कोई ऐसी कंडीशनल स्टेटमेंट आती है तो क्या होगा कि सपोज कीजिए 4 के बाद हम सीधा 6 पे पहुँच गए, ठीक। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब भी कंडीशनल स्ट्रक्चर यूज होगा, इसका मतलब कि ऑर्डर चेंज हो जाएगा, जो सीक्वेंस जिस सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही थी उसका चेंज हो जाएगा। तो ये होता है आपका कंडीशन स्ट्रक्चर। अब तीसरा आ जाइए रेपिटेशन स्ट्रक्चर। रेपिटेशन स्ट्रक्चर में क्या होता है कि मान लीजिए ये स्टेटमेंट दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो भी है, ठीक है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए हमने कहा कि से स्टेटमेंट नंबर 4 पे कोई ऐसी कंडीशन है या कोई ऐसा स्टेटमेंट है जो ये कह रहा है कि स्टेटमेंट नंबर 5, 6, 7 को कई बार जो है आप रिपीट करिए, मतलब एक तरह से इसी को कई बार रिपीटेशन बोलते हैं, लूपिंग, मतलब स्टेटमेंट नंबर 5, 6 और 7 इनको एक लूप में, यानी बार बार जितनी बार भी प्रोग्राम में डिफाइंड है, 8 बार, 10 बार, 2 बार, 1000 बार जो भी डिफाइंड है, ठीक है, तो उसमें ये ग्रुप ऑफ जो इंस्ट्रक्शन है इंस्ट्रक्शन नंबर 5, 6, 7 इसको बार बार हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो इसी एग्जीक्यूशन को हम बोलते हैं लूपिंग। तो ये जो लॉजिकल स्ट्रक्चर है आपका रिपीटेशन वाला, ये भी ऑलरेडी डिफाइंड होता है स्ट्रक्चर प्रोग्राम में, ठीक है। तो ये एडवांटेज था स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग को यूज़ करने का। और जो इसके जो सबसे बड़ा फ़ायदा था स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग का वो ये था, अब इसके पहले तीन हम स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, सीक्वेंस, कंडीशन और तीसरा हो गया आपका रिपीटेशन, ठीक है। अब इसके जो एडवांटेज थे, इसके एडवांटेज क्या थे, एक तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, रिड्यूस हो गई, प्रोग्राम सिंपल और इजी ढंग से आ गए। सेकंड क्या है इसका कि जो रीडेबिलिटी थी प्रोग्राम की वो इंक्रीज कर गई, एनहेंस हो गई, ठीक है। नेक्स्ट जो था वो ये है कि मॉडिफिकेशन, प्रोग्राम में मॉडिफिकेशन करना आसान हो गया, ये इजी हो गया। और चौथा जो था वो ये था कि मेंटेनेबिलिटी, मतलब प्रोग्राम को मेंटेन करना भी आसान हो गया। तो ये सारे एडवांटेज थे जो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में जो प्रॉब्लम्स थी उनको दूर कर ली गई स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में, ठीक है। तो दीज वर द मेन एडवांटेज ऑफ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। अब इसमें एक चीज़ आती है कि स्ट्रक्चर प्रोग्राम को हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि दिस इज ए प्रोसीजरल डिज़ाइन टेक्निक, मतलब इसमें एक टेक्निक डिफाइंड है कि हाँ इस ढंग से ही हमको प्रोग्राम को डेवलप करना है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग जब लोगों ने यूज़ करना शुरू किया तो क्या हुआ कि उसके साथ जो है एक टर्म ये आई, बग। तो जब भी आप प्रोग्रामिंग की बात करेंगे या प्रोग्रामिंग की टर्म बात करेंगे तो ये वर्ड जरूर यूज़ होता है, बग। तो बग का देखिए सिंपल लहजे में नॉर्मल मीनिंग होती है एरर। जब भी हम मान लीजिए हमने कोई प्रोग्राम बनाया, उसको कंपाइल किया तो उसमें सपोज कीजिए कि 5 एरर आ गई तो हम बोलेंगे कि इसमें 5 बग आ गया, तो इसका मतलब। और डिबगिंग क्या होता है, देखिए बग मतलब एरर, तो डिबगिंग मतलब एरर को दूर करना, टू रिमूव द एरर्स फ्रॉम ए प्रोग्राम, दैट प्रोसेस इज नोन एज डिबगिंग, ठीक है।
स्ट्रक्चर प्रोग्राम में एक फ़ायदा ये भी था कि इसमें जो डिबगिंग थी वो इजी हो गई थी। डिबगिंग करना यानी प्रोग्राम के एरर्स को दूर करना वो कंपेरेटिवली इजी हो गया था इन कंपेरिजन ऑफ ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और इसमें स्ट्रक्चर प्रोग्राम में एक जो स्पेशल खास बात आपको ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि स्ट्रक्चर प्रोग्राम में हर प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट मतलब स्टार्टिंग पॉइंट भी एक था और जो एग्जिट पॉइंट था वो भी एक था। मतलब ऑल द स्ट्रक्चर प्रोग्राम आर हैविंग वन सिंगल एंट्री पॉइंट एंड वन सिंगल एग्जिट पॉइंट। ये सबसे खास बात थी स्ट्रक्चर प्रोग्राम की। और एक चीज़ जो है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के बारे में वो आपको ध्यान देनी होगी कि कोई 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 भी ऐसा जो है स्ट्रक्चर प्रोग्राम नहीं होगा जिसमें आपके एक से ज़्यादा एंट्री पॉइंट हो या एक से ज़्यादा एग्जिट पॉइंट हो। यानी ये जरूरी था कि स्ट्रक्चर प्रोग्राम में एक सिंगल एंट्री पॉइंट हो और सिंगल एग्जिट पॉइंट। तो अब जब स्ट्रक्चर प्रोग्राम के इन एडवांटेजेस में से जब उसको यूज़ किया जाने लगा तो उसके साथ साथ कुछ इशू फिर और जब देखिए जब कोई चीज़ आप इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो रियल टाइम में या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स क्या आती हैं वो भी स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के साथ आने लगी। जैसे जो पहला जो इशू था वो ये था कि इसमें हम कौन सा अप्रोच या टेक्निक यूज़ करें, टॉप टू बॉटम करें या बॉटम टू टॉप करें। ठीक, तो पहला तो इशू ये था। दूसरा जो इशू था वो ये था कि हम जो है किसी भी स्ट्रक्चर प्रोग्राम में और भी कई इशू थे कि किसी भी स्ट्रक्चर प्रोग्राम में अगर हमको मान लीजिए उसका जो सेकेंड इशू था वो ये था कि किसी भी स्ट्रक्चर प्रोग्राम में हम कंट्रोल स्ट्रक्चर कौन कौन सा और ऐड कर सकते हैं। थर्ड इशू जो था वो ये था कि एल्गोरिथम्स जो है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं स्ट्रक्चर प्रोग्राम में। फोर्थ ये था कि टाइम एफिशिएंसी मतलब स्ट्रक्चर प्रोग्राम को यूज़ करने से हमारा कितने टाइम की बचत हो रही है। फिर है फिफ्थ स्पेस एफिशिएंसी मतलब स्ट्रक्चर प्रोग्राम को यूज़ करने से कितना हमारा स्पेस की बचत हो रही है। नेक्स्ट जो इशू था वो ये था कि अगर मान लीजिए जो पुराने जो ट्रेडिशनल प्रोग्राम है जो नॉन स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है उसको स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, तो ये ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में ये सारे इश्यूज जो है रेज होने लगे स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के साथ में। और एक इशू था कि जो हाई लेवल लैंग्वेज में जिनमें बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं थे, कौन से बेसिक स्ट्रक्चर, वही सिक्वेंस, कंडीशन और रेपिटेशन, ये तीनों जिसमें डिफाइंड नहीं थे उन हाई लेवल लैंग्वेज में हम स्ट्रक्चर प्रोग्राम कैसे बनाएं। ठीक है, तो ये एक मेजर इशू था कि अगर उस हाई लेवल लैंग्वेज में लॉजिक स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं है तो फिर हम सीक्वेंस या कंडीशन या रेपिटेशन का यूज़ कैसे करें। ठीक, तो ये भी एक मेजर इशू था स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में। और उसके बाद एक इशू और जो था वो ये था कि चलिए अच्छा ये इन जो एडवांटेजेस ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किए उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट अदर एडवांटेजेस स्ट्रक्चर प्रोग्राम्स हैव। मतलब जो एडवांटेज हम लोग की कॉम्प्लेक्सिटी कम हो गई, रीडेबिलिटी बढ़ गई, मेंटेबिलिटी बढ़ गई, मॉडिफिकेशन पॉसिबल हो गया, इन सब के अलावा और अदर मेजर बेनिफिट्स क्या थे। ठीक, तो और अदर मेजर बेनिफिट्स क्या थे स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ क्या डिमेरिट्स थे स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के उसको भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग का। और अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को